चलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। ये भी एक आसान क्वेश्चन है। एक सोलेनाइड है जिसमें 1200 टर्न्स है, और यूनिफॉर्मली इन ए सिंगल लेयर ऑफ ए ग्लास ट्यूब 2 मीटर लॉन्ग। मतलब ये ग्लास का ट्यूब है और ये कितना भाई लंबा है, 2 मीटर है इसकी लेंथ, और इस पे एक वायर लपेटा हुआ है, इंसुलेटर वायर, ये वाली जो चीज़ है ऐसे रैप की गई है। तो अगर ये ऐसे रैप की गई तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 1200 टर्न्स है, ठीक है ना। ये 1200 टर्न्स है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इतना दिया हुआ है। कहते हैं जो लेंथ है वो ग्लास ट्यूब की 2 मीटर लंबा है, और इसका जो डायमीटर है, ये वाला जो डायमीटर है, उस डायमीटर की जो वैल्यू है वो जो 0.2 मीटर है। द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सोलेनाइड ऑफ करेंट 2 एम्पियर। अगर इस वायर में मैं 2 एम्पियर का करेंट फ्लो करा दूँ आई, तो ये कहते हैं कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट सेंटर, यहाँ पर सेंटर पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है, फार्मूला आपको याद होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है उसको मैं यहाँ H से डिनोट करता हूँ। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे, और डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ से जो H की वैल्यू आ जाएगी वो NI के इक्वल आ जाएगी। N क्या है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो कैपिटल N पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई करेंट फाई। तो ये 1200 था और 2 मीटर था लेंथ, और यहाँ से करंट भी 2 एम्पियर फ्लो हो रही है। बात आ रहा समझ में? तो 2 ने 2 को काट किया, तो यहाँ 1200, यहाँ से जो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी 1200 एक क्या बनेगा, एम्पियर, एम्पियर पर मीटर। या इसी इसी 1200 को मैं लिख सकता हूँ, तो 1200 और ×10³, और यहाँ से 10³ से मैं डिवाइड कर दूँ तो एम्पियर पर मीटर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 10³ से डिवाइड करें तो 1.2 ×10³ एम्पियर पर मीटर दिखेगा। तो दिस इज़ द इन मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये वाली जो चीज़ है वो हमें दिखेगी। तो 1.2 ×10³, मतलब ये ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।